हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप पिक्सल प्लैनेट चैनल पर। मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको आर्ट क्रिएशन। देखिए, ये फोटोग्राफ्स है, इसको हम इस टाइप से आर्ट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बनाते हैं ये फोटोग्राफ्स का इस टाइप का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बताने जा रहा हूँ आर्ट क्रिएशन किस तरह से क्रिएट कर। इसके लिए एक फोटोग्राफ्स ओपन करते हैं। फोटोग्राफ्स ओपन कराने के लिए डबल क्लिक करेंगे, फोटो सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। ये फोटोग्राफ्स ओपन हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम ना इसको क्रॉप कर लेते हैं। कितना एरिया हमें चाहिए जिसमें हम इसमें कुछ क्रिएशन कर सकें। जितना हमें ये चाहिए एरिया वो सेलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, अप्लाई हो जाता है। और इसको बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस है इस तरीके से। नेक्स्ट हम इसको ना ब्लैक एंड वाइट करते हैं। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करते हैं कीपैड में, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। उसके बाद हम इसको लाइट कर लेते हैं। लाइट करने के लिए कंट्रोल एल प्रेस करना है कीपैड में, तो ये लेयर लेवल्स टूल आ जाएगा। इसे आप लाइट कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। और ओके पे क्लिक कर दीजिए। बाकी का एरिया ये जो है इसको हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के लिए कोई भी टूल ले लीजिए या तो ब्रश ले लीजिए, यहाँ से फाइदर वाला ब्रश ले लेते हैं। और ये कलर चूज करके आइस है, ऑल्ट प्रेस करके ये यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये कलर पिक हो जाएगा यहाँ पे। और बस इसको ब्रशिंग करना है। आराम से करना है, ये ब्रशिंग करिएगा तो ये वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड एक जैसा हो गया। नेक्स्ट हम इस पे वाल वगैरह को जो डार्क एरिया है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के लिए अपन टूल में वर्न टूल काम में लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसका वाल वगैरह को वापस काला कर सकते हैं। इफेक्ट अच्छे तरह से अप्लाई हो इसके लिए ये सब पाया ब्लैक कर लेते हैं। आईब्रो भी ब्लैक कर लेते हैं। आँख का पॉइंट, मूंछ और ये दाढ़ी। इसके आउटलाइन भी थोड़ा ब्लैक कर देते हैं जूम करके।
बाल को आप टचिंग कर देते हैं, ये बाल हटा देते हैं, पिलर के साथ इसको मिक्स कर देते हैं, बाल बना देते हैं। इसकी आउटलाइन वापस सही कर लेते हैं, थोड़ा आउटलाइन सही करने के लिए हम एक डबल लेयर कर लेते हैं, एक लेयर और कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जे, कीपैड में कंट्रोल जे प्रेस करिएगा तो ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड है और एक लेयर और बन जाएगा। फिर हम आप इस पर थ्रस होल्ड अप्लाई करते हैं, इसके लिए इमेज एडजस्टमेंट और क्लिक करते हैं और ये अप्लाई करके ओपन कर देते हैं। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ पे क्लिक करते हैं और फोटोग्राफ ये ओपन कर लिए। इसको कंट्रोल ए कीपैड में प्रेस करके कॉपी करना है कंट्रोल सी और इसको क्लोज करना है कंट्रोल डब्लू, तो ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना है कंट्रोल वी पेस्ट, फिर इस लेयर को लेयर मोड में से लाइनर डुप पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। फिर इस इमेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको आगे पीछे करके सेट कर लीजिए। ये इस एरिया को इस तरह तो सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से खींच दीजिए, ये इस हिसाब से सेट हो गया। नेक्स्ट आप जो नीचे वाला बैकग्राउंड लेयर है उस पर वापस जाएं, उसको कंट्रोल जे प्रेस करें और इसको ऊपर लाएं। ऊपर लाने के लिए आपको कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करना है, इससे ऊपर आ जाएगा लेयर और इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए जितनी ज़रूरत के हिसाब से सेट हो रही है। इसमें थोड़ी सी डिफाइंड हो जाए आईब्रो आँख वगैरह और फिर इरेज कर दीजिए। इरेजर टूल से ब्रश लेना है अपने को, यहाँ से फैदर वाली गोल्ड फैदर और ये इस तरीके से आप इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ खाली जगह पे लिखना या फिर कुछ आर्ट और देना, तो उसके लिए आप एक ब्रशिंग ले लीजिए, ब्रश टूल और यहाँ से ब्रश आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यहाँ क्लिक करके ले लीजिए जो ब्रश आपको अच्छी लगती है।
बाई डिफ़ॉल्ट ब्रश ये आपके फोटोशॉप में होगा नहीं, ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ से कलर ब्लैक, ऑपेसिटी 100%, और इस तरीके से आप एक कलर बना लीजिए बड़ा करके। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करिएगा तो ये न्यू लेयर के लिए आएगा। ओके पे क्लिक करना है, न्यू लेयर बन जाएगा ब्लैंक जो खाली होगा। इस पर आप ब्रशिंग कर लीजिए और फिर इसको शेड कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे मैं अभी इसको कंट्रोल टी कर रोटेट कर लेता हूँ, सूरत के हिसाब से शेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऊपर का हिस्सा हम इरेज कर देते हैं वापस इरेजर टूल लेके। यहाँ पे भी ब्रश फैंसी ले लेते हैं, कोई स्टाइलिश ब्रश जैसे हमने ले लीजिए, यही ले लेते हैं वापस। इसकी ओपेसिटी 30 पे रख के इस तरीके से हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए इसको कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं, इसी सेम लेयर को एक लेयर और बना देंगे, थोड़ा डार्क हो जाएगा। दोनों को मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, या फिर आप लेयर में जाके मर्ज लेयर पे क्लिक करिएगा तो ये मर्ज हो जाएगा दोनों लेयर आपस में। और फिर हम वही बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं जो हमने इसमें लगाया है। इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ हम पेस्ट करते हैं और फिर हम वही लेयर ऑप्शन में से मोड में से इसको हम लाइनर डॉट पे क्लिक करते हैं, ये लेयर चेंज हो जाएगा और इसके हिसाब से हम यहाँ पे अपन शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेजर टूल ले लेते हैं अपन नॉर्मल राउंड वाले ब्रश और इस तरीके से हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ कोई नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ टाइप कर देते हैं, टाइप टूल लेके क्लिक करना है और टाइप कर देते हैं CITYCT। ये इस तरीके से इसको छोटा करके सेट कर देते हैं। इस लेयर को भी नीचे कर देते हैं, लेयर को नीचे लाने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आज बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।